नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशी के एग्ज़ाम की, ठीक है। तो जुडिशी के एग्ज़ाम में आज मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ जो लोअर जुडिशी और हायर जुडिशी दोनों में प्री में मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं। और जब भी आप APO का एग्ज़ाम देते हो, ADPO का एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर इसके जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन बिहार जुडिशी में इस सब्जेक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, वो है IPC। क्योंकि बिहार जुडिशी के अंदर IPC नहीं होती है। हाँ, बिहार के APO के एग्जाम में जरूर होती है, पर बिहार जुडिशी में नहीं होती है। चलिए तो बात करते हैं आज IPC की। आज की क्लास जो होगी वो IPC के बारे में, उसके चैप्टराइजेशन के बारे में होगी, साथ ही IPC को कैसे पढ़ना उस पर भी हम चर्चा करेंगे। IPC 1860 चेंज होने की पूरी संभावना है, कभी भी चेंज हो सकती है। ये चेंज बहुत साले पहले होनी थी, है ना, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाई। जनरली जहाँ तक मुझे पता था कि IPC का नया नाम होता IPC 2020, पर कोरोना ऐसा आया कि IPC 2020 आगे चला गया। लेकिन IPC में चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। अब आपका एक टेंशन रहता है, अभी जो IPC पढ़ रहे हैं फिर वो चेंज हो गए, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। प्रोविजंस तो वही रहेंगे, पर चीज़ें चेंज होगी, सेक्शंस चेंज होंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करते हैं IPC 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। एक्ट नंबर से ही हमारा कानून चलता है, इसलिए हमें एक्ट नंबर पता होना चाहिए। 9 जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 मंथ होते हैं, राइट। इस 12 मंथ के अंदर जितने कानून बनते हैं उन पर नंबरिंग लगती है, ठीक है। तो 1860 के अंदर IPC पे जो सिग्नेचर हुए थे वो 45 नंबर पे हुए थे, इसलिए इसका हो गया IPC 45 1860 हो गया, ठीक है। चलिए तो ये एक्ट नंबर है, और ये सभी जगह है। देखो CRPC का भी है, CPC का भी आप देखेंगे। CRPC एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है, और आपका एविडेंस एक्ट एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है। तो सबके अपनी नंबरिंग है, तो उस नंबरिंग के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि आप देखिएगा IPC का सेक्शन नंबर 174A देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 83 ऑफ एक्ट नंबर 2 ऑफ दिस या सेक्शन नंबर 82 ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 82 ऑफ एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। फिर अंदर जाके देखेंगे तो उसका नाम लिखा हुआ है, बाकी ये लिखा होता है। तो यहाँ पे सेक्शन से चलता है, किसी पे मर्डर का केस चलता है तो बोलते 302 का केस चल रहा है, तो सेक्शन से एक्ट नंबर और ईयर से जो है काम चलता है, इसलिए पता होना चाहिए एक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो कहता IPC कहता मेरे पास टोटल कितने चैप्टर हैं, तो बोलता है मेरे पास टोटल 23 चैप्टर हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं, बोला 511 हैं। मेरा एक्सटेंड कहाँ पर है, बोला होल ऑफ इंडिया में है। कब हुआ ये, 31 अक्टूबर 2019 को। फिर आता इसका कमेंसमेंट कब हुआ है, 1 जनवरी 1862 को है। इस पर सिग्नेचर कब हुए हैं, 6 अक्टूबर 1860 को हुए हैं। सिग्नेचर की डेट भी हमें पता होनी चाहिए और कमेंसमेंट डेट भी, 1 जनवरी हमेशा याद रहता है। 1 जनवरी को हमारे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे IPC हैं, लिमिटेशन एक्ट हैं, है ना, CPC हैं। तो जब भी आप जुडिशी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके जितने भी एक्ट सिमिलर होते हैं उनके ईयर सेम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो किस डेट को आए, वो पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, वो भी 1 जनवरी को है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। अब है ना, इसको कहानी की तरह अपन इसके चैप्टर्स को याद करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 कहता है इंट्रोडक्शन, क्या कहता है, 1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले IPC अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो IPC इज एक लड़की है, IPC को अपन एक लड़की मानते हैं। तो IPC सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा एक्सटेंड कहाँ पर है, जो है सेक्शन नंबर 1, 2 का 5। एक काम कीजिए, आप लोग अपने साथ बैरेक लेकर भी बैठिए, तो बैरेक आपके पास रहेगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी बोलूंगी पूरा, तो अपने बैरेक में निशान लगाते जाइए, और जो आपके पास बैरेक होता है ऐसे उस पर यहाँ पे लिखते जाओ सेक्शन 1 से 5, हालांकि है पर साथ साथ लिखते जाओ उसको, है ना, ऐसे आपके पास मार्कर उसको अंडरलाइन करते जाओ। ये सब प्रैक्टिस की एक चीज होती है आपके लिए, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 कहता है इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना की बात करता है 1 to 5। जितने भी कानून आप पढ़ते हैं उसका चैप्टर 1 सबका प्रीलिमिनरी होता है ना, इसका चैप्टर 1 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन नहीं है, वो उसका शॉर्ट टाइटल एक्शन सबसे लास्ट में होता है, तो सबका अलग अलग है। तो जनरली स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी होता है, ये इंट्रोडक्शन है 1-2 का 5, देन आता है चैप्टर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन कहां से कहां तक है, सेक्शन नंबर 6 टू 52 ए। मुझे 6 टू 25 ए इसलिए याद रहा कि 25 ए को उल्टा करते हैं तो 5 और 2 52 बन जाता है। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर 2 है ना वो 6 टू 25 ए है, और आईपीसी का चैप्टर 2 है वो 6 टू 52 ए है। तो क्या कहता है, जनरल एक्सप्लेनेशन। आईपीसी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि देखिए भाई, जब तुम आप मेरे पास आते हो तो सेक्शन 6 आपको कहेगा कि जितना भी आईपीसी तुम पढ़ोगे एक्सेप्शन के साथ पढ़ो, जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखो। सेक्शन नंबर 8 कहता है जेंडर को बुला दो, जेंडर को बुला के 9 कहता है वचन ले लो, अपन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके याद करने का ट्रिक होता है ना। फिर वचन कौन देता है, तो बोला मेल और फीमेल देता है, मेल और फीमेल से क्या बनता है बेटा, तो बोला पर्सन बन जाते हैं, पर्सन से क्या बन जाती है हमारी पब्लिक बन जाती है, पब्लिक पे कौन राज करता है, हमारी क्वीन राज करती थी, क्वीन कौन थी हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। ठीक है, ये सब देखो आपके इंडेक्स में लिखा हुआ है, पहले कौन सी गवर्नमेंट थी हमारे पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब फिर कौन सी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई। ये दोनों कब रिपील हो गए, 1937 को, ये कब रिपील हुआ, 1950 को, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई हमारी। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, फिर आ गई हमारी सरकार, फिर कौन आ गई, हमारी सरकार, तो 17 आ गई गवर्नमेंट। देखिए बेटा, गवर्नमेंट शब्द आता है ना, ओनली गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। फिर सरकार का हमारा नाम क्या पड़ गया, इंडिया। इंडिया जब पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में इंडिया 2F, ठीक है, सीपीसी में इंडिया 27B, इंडियन एविडेंस एक्ट में इंडिया सेक्शन 3। तो देखो चारों मेजर एक्ट में इंडिया है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी में। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया कहाँ है, चैट बॉक्स में जरूर ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। फिर इंडिया में सबसे सर्वोच्च पर्सन कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को औहद कौन दिलाता है, जज साहब, तो इसलिए हमारे जज साहब आ गए। जज साहब कहाँ बैठते हैं, हमारे कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, पब्लिक सर्वेंट। अब देखो हमारे पास एक पब्लिक सर्वेंट है तो एक हमारे पास पब्लिक ऑफिसर भी है। क्या कहा मैंने, पब्लिक सर्वेंट आईपीसी में होता है, पब्लिक ऑफिसर सीपीसी में होता है। पब्लिक सर्वेंट को क्या मिलती है, सैलरी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन करके। ये सब काम कैसे होता है, डिसऑनेस्टी से। डिसऑनेस्टी से करके आप क्या करते हैं, आप फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं। फ्रॉडुलेंटली काम कौन करता है, जिन पे आप भरोसा करते हैं, रीजन टू बिलीव करते हैं। रीजन टू बिलीव किस पर करते हैं, अपनी वाइफ पर, अपने क्लर्क पर और अपने सर्वेंट पर, ठीक है, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के ऊपर। फिर वो क्या करते हैं, वो आपके साथ काउंटरफिट करते हैं। काउंटरफिट करके क्या तैयार करते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। आजकल कैसे डॉक्यूमेंट होने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करके क्या बनाते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना देते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बना के क्या करते हैं, विल तैयार। ये सारा काम वो कैसे करते हैं, बहुत सारा एक्ट और बहुत सारा ओमिशन करके। अब एक्ट ओमिशन ऐसा तो किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोच के गया, यस, उनके बीच में क्या था, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन से नॉलेज भी लेकर आए, नॉलेज करके पार्टली एक्ट किया, पार्टली ओमिशन किया, और ये सब करने के लिए कोऑपरेशन, लोगों के साथ मिल गए और मिलके बहती गंगा में हाथ धो लिया। ये क्या मतलब है बहती गंगा में हाथ धोना, क्या होता है बेटा, एक बंदा ऑफेंस कर रहा है, उसको गुस्सा आया हुआ है, आप जाके उस गुस्से का फायदा उठा के काम करते हो। जैसे कि राम और श्याम लड़ रहे थे, श्याम ने राम को प्रोवोकेशन दिया, राम बहुत गुस्से में था, आप पास खड़े थे, आपने उसको तलवार पकड़ा दी। जैसे राम को तलवार पकड़ाई, उसने श्याम को मारा और श्याम मर गया, तो यहाँ पे आपने भी ऑफेंस किया, क्योंकि आपने उस गुस्से का फायदा उठा के तलवार दी, तो क्या किया, बहती गंगा में हाथ धोया। देन आता आपके पास 39, ये सब काम आपने कैसे किया, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से किया, और करके आपने क्या कमेंट किया, कमिट किया ऑफेंस। किसने कहा ये ऑफेंस है, स्पेशल लॉ ने, और किसने कहा ये ऑफेंस है, लोकल लॉ ने। क्या कहा,
कि आपने जो है क्या क्या इलीगल काम किया, आपने क्या किया, 43 कहता आपने इलीगल काम किया। इलीगल काम करके आपने क्या की, इंजरी की, किसकी इंजरी की आपने, लाइफ की, उससे क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। डेथ हुई तो फिर 47 बचे कौन पीछे, एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे लेके गए तुम, वेसल से। कब लेके गए, 10 दिसंबर 2000 ईयर और मंथ 2021 को लेकर गए। ये सब काम कहाँ बताया गया है, सेक्शन में। क्या कहता है सेक्शन, कि मैं और पूर्वक कहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया गुड फेथ में किया, जानबूझ के कुछ नहीं किया। और जैसे ही गुड फेथ आया तो 52A में आपने हार्बरिंग कर दी। यानी आपने एक चीज नोट की, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा तक, इसको 2-3 बार सुनिएगा, आपको पूरा डेफिनेशन क्लोज आपको याद हो जाएगा। आप अपना भी डेफिनेशन अपनी स्टाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन याद करने का वे आपको ढूंढना होता है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, तो इस तरह से पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लोज आपके सामने आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 कहता है एक्सप्लेनेशन। उन्होंने देखो इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन सबके बारे में अपन ने तो आईपीसी पढ़ेंगे तभी पढ़ा है, कॉलेज में तो कभी देखा नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती है ना, तो इसको याद करने का तरीका है। क्योंकि देखो बेटा, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं ना सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन फिर आप कैसे करोगे बताओ। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए सेक्शंस को याद भी तो करना पड़ेगा, और इनका एक ही तरीका है, रिविजन रिविजन रिविजन। आप जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार ये याद होता रहेगा। तो आईपीसी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। फिर उसने अपने आपको एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर से किया, 6 से लगा के 52A तक। फिर उसने कहा अगर तुमने इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं देखा, इसका अगर तुमने वायोलेशन किया तो तुम ऑफेंस कमिट हो जाएगा, तो आ जाता है पनिशमेंट दूंगी। ऑफेंस होगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, पनिशमेंट। क्या देना पड़ेगा मुझे तुम्हें, पनिशमेंट। तो चैप्टर नंबर 3 कहता है ऑफ पनिशमेंट, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन नंबर 53 से लेकर 75 तक। जब पनिशमेंट हमने आपको दे दिया, फिर कहा रुको रुको, हर चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं होता है। तो पहले तो कहती है जनरल एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना, नहीं रखा तो दूंगी मैं तुम्हें पनिशमेंट। फिर कहते रुको रुको, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं। ऐसा क्यों बोला एक्सेप्शन, क्योंकि कई बार कोई आपको मारने आ रहा है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसको मारोगे कि नहीं मारोगे, तो हुआ ना एक्सेप्शन। ठीक वैसे आप रस्ते से जा रहे थे और एक बच्चा डूब रहा था, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, वो पानी में डूब रहा था, आपने नहीं बचाए, क्या आपने कोई ऑफेंस किया, नहीं किया। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप गवर्नमेंट के स्विमर हैं, और फिर आप नहीं बचाते हो, तो आपने ऑफेंस किया, नेग्लिजेंसी की है ना। तो हर चीज के लिए ऑफेंस नहीं होते, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, जो बात करता है एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक। जैसे ही आईपीसी ने कहा एक्सेप्शन होते हैं, वैसे आपने इसका अबेटमेंट किया। किया क्या, अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब उकसाना, कहां से कहां तक, 107 से 120। और अब आप और आईपीसी नामक लड़की दोनों मिल गए, और क्या किया आपने, कॉन्स्पिरेंसी। अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी स्टार्ट कर दी। चैप्टर नंबर 5A कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र। क्या किया आप लोगों ने, आपराधिक षड्यंत्र। देखिए जब ओनली कॉन्स्पिरेंसी वर्ड होता है, षड्यंत्र शब्द होता है, तो वो हो जाता है टॉट। टॉट लॉ पढ़ते ना अपन, टॉट लॉ में चला जाता है। लेकिन जब उसके अंदर क्रिमिनल वर्ड जुड़ जाता है, जब उसके अंदर क्रिमिनल वर्ड जुड़ जाता है, तो वो हो जाता है हमारा आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास चैप्टर नंबर 6। आपने और आईपीसी ने कॉन्स्पिरेंसी करके सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने है स्टेट के अगेंस्ट धावा बोला, तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। कहां से कहां तक, इसका लिख दो 120A से 120B है ना, और इसका लिख दो 121 से 131। जब आपने स्टेट के अगेंस्ट धावा बोला, तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आई, आर्मी नेवी, तो आपने आर्मी और नेवी के अगेंस्ट भी ऑफेंस कमिट कर दिया। तो सेकंड कहता है आपके पास, फिर इसका अंडरलाइन लाइन खींच लेते हैं अपन, तो आपने आर्मी और नेवी का भी ऑफेंस किया। तो चैप्टर नंबर 7 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी, कहां से कहां तक, 131 से 140। तो यहां पर भी 10 सेक्शन है आपके, और यहां पर भी 10 सेक्शन है, 121 से 130 और 130 से 131 से 140। तो आपने आर्मी और नेवी के अगेंस्ट ऑफेंस कर दिया 131 से 140। फिर आर्मी और नेवी के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए आपने क्या की,
आपने लोगों की भीड़ इकट्ठा की यानी अनलॉफुल असेंबली बनाई। तो चैप्टर 8 के दो नाम है, एक तो इसमें लिखा है पब्लिक ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांकुलिटी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। तो शॉर्ट में लिख दो अनलॉफुल असेंबली। कहाँ से कहाँ तक की आपने? 141 से 160 अनलॉफुल असेंबली कमिट हो गई। देखो इसमें 10 सेक्शन है, इसमें भी 10 सेक्शन है, पर इसमें 20 सेक्शन है, ठीक है। अब इस अनलॉफुल असेंबली की मैं बात करूं तो इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? तो याद करो इसका प्रोसीजर, आपको कहीं ना कहीं याद होगा, इसका प्रोसीजर दिया हुआ है आपके CRPC सेक्शन नंबर 129 से 132 में। तो लिख दो अनलॉफुल असेंबली का प्रोसीजर हमारा कहाँ दिया गया है? तो आप कहेंगे अनलॉफुल असेंबली का प्रोसीजर CRPC के सेक्शन नंबर 129 से 132 में दिया गया है। क्योंकि IPC कैसा लॉ? एक सब्सटेंटिव लॉ है। IPC कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो आपके पास आता है कि एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो कि राइट्स लाइबिलिटीज पनिशमेंट और ड्यूटीज को डिफाइन करता है, और प्रोसीजर लॉ जो उन्हें प्रोसीड करता है। जैसे कि IPC एक सब्सटेंटिव लॉ है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, TP सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि प्रोसीजर लॉ कौन कौन से अपने पास? CPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, SRA है, ये अपने प्रोसीजर लॉ है। इनका काम है प्रोसीड करना, सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स कराना। तो IPC कैसा लॉ? अपना सब्सटेंटिव लॉ है। और इसका प्रोसीजर हमारा कहाँ दिया गया है? CRPC में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? CRPC में। चलिए चैप्टर नंबर 9 कहता है आपने अनलॉफुल असेंबली कमिट की तो पब्लिक सर्वेंट आई आपको रोकने, तो आपने पब्लिक सर्वेंट को क्या कर दिया? पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी। तो क्या हुआ? ऑफेंस अगेंस्ट, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, तो ऑफेंस अगेंस्ट और बाय पब्लिक सर्वेंट। तो लिखो ऑफेंस अगेंस्ट एंड बाय पब्लिक सर्वेंट सेक्शन नंबर 161 से 171। देखिए बेटा, वैसे तो जो सेक्शन 161 से 165 रिपील है, पर इसको एक साथ इसलिए पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर जैसे आपने पब्लिक सर्वेंट को दिया, आपने उनको रिश्वत दे दी, फिर आप इलेक्शन में खड़े हो गए। किस में खड़े हो गए? IPC इलेक्शन में खड़ी हो गई। 171A से I तक जब कोई ऑफेंस करता तो उसको सरकार इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं, फिर भी आप हुए, तो आपसे पूछा कि अच्छा आपने क्या किया, आप इलेक्शन में कैसे खड़े हो गए? तो आपने कहा मैं इलेक्शन में, जब ऑफेंस करते तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, आपने इलेक्शन में खड़े होकर क्या किया? आपने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया। तो अगला कहता है कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आपने लोक सेवक की अवमानना की। कहां से कहां तक थी? 172 से 190। तो आपसे पूछा क्या आपने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया, उनके लॉफुल ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया, अवमानना की? आपने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या की? फॉल्स एविडेंस दी। तो चैप्टर नंबर 11 कहता है फॉल्स एविडेंस देना और फैब्रिकेट करना, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 191 से 229A। तो आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, गढ़ा, तो फिर क्या किया आपको? आपको जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो आपने कहानी सुनाना शुरू की, जब मैं 12वीं में था तब मेरा सिक्का चलता था। तो चैप्टर 12 कहता कॉइंस यानी सिक्का, तो जब मैं 12वीं में था तो मेरा सिक्का चलता था, 230 से लेकर 263A तक। और जब आप 13वीं क्लास में आए तो आपने उन सिक्कों को बांट दिया। क्या कर दिया आपने? उन सिक्कों को बांट दिया। जैसे अगला चैप्टर है इंग्लिश में तो है वेट और मेजर्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या दे रखा है? वेट और मेजर्स। लेकिन हिंदी में क्या है? बांटना और मापना। बांटना मतलब लोगों को दे देना, तो क्या ना मिला जुला असर से हमें याद करना पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 13 कहता है वेट एंड मेजर्स, ऐसा सेक्शन कहाँ है? CRPC में सेक्शन नंबर 153। इसका प्रोसीजर कहाँ देख रहा है? वेट और मेजर्स का, CRPC के सेक्शन नंबर 153 में। तो क्या सिक्कों को बांट दिया, कहाँ से कहाँ तक बांटा आपने? 264 से 267 तक। जैसे ही आपने सिक्के बांटे, सिक्के कैसे थे? खोटे सिक्के। खोटे सिक्के बांटते तो क्या होता है? अफरा तफरी, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मोरालिटी डिसेंसी और एनोई होने लग जाता है, लोगों में नुकसान होना लग जाता है, हानि होने लग जाती है। तो ये जो पांच वर्ड है ना, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्या बोलते हैं इनको बेटा? पब्लिक न्यूसेंस। लिख दो इस चैप्टर को बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। CRPC में कहाँ पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस? 133 से 143। CPC में कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 91।
और कहाँ पढ़ते हैं, टॉट में। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 268 से 294 ए। तो जब आप खूंटे से बाढ़ते हो तो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मोरालिटी, डिसेंसी और एनोई को नुकसान कमिट होता है, तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होने पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई किसके नाम पे होती है, रिलीजियन के नाम पे। तो चैप्टर नंबर 15 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियन, कहाँ से कहाँ तक, 295 से 298। ठीक है, फिर जब ऑफेंस होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन होता है तो हमारे यहाँ तो लोग मरने मारने तक आ जाते हैं, जबकि विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता, लेकिन फिर भी झगड़े हो जाते हैं, तो आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी को नुकसान। तो आता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कहाँ से कहाँ तक, 299 से 377। ह्यूमन बॉडी को नुकसान होते हैं, सारे मनुष्य सब सारे मनुष्य को मार देते हैं, तो बच्चा कुचा क्या उनकी सारी प्रॉपर्टी लेके भाग जाते हैं आप। तो क्या कहता है 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कहाँ से कहाँ तक, 378 से 462। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आईपीसी जो है सबके अगेंस्ट क्या करती है, सबकी प्रॉपर्टी लेके भाग जाती है। फिर बच्चे क्या, डॉक्यूमेंट्स वो भी अपने नाम करा लेती है। तो 18 कहता है डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क्स कहाँ से कहाँ तक, 463 से 489 ई तक। तो क्या करते हैं कि सारे प्रॉपर्टी मार्क्स भी अपने नाम करा लेते हैं। ये सब आप किसके अगेंस्ट करते हो, जिन्होंने आपको सर्विस दी और आपने उन्हीं की सर्विस का ब्रीच किया। तो चैप्टर नंबर 19 कहता है ब्रीच ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। केवल कॉन्ट्रैक्ट होता तो कहाँ चले जाते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाते, पर यहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्रिमिनल है। तो 19 कहता है संविदाओं का आपराधिक भंग, ब्रीच ऑफ क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, 490 से लेकर 492 तक। संविदाओं का भंग, भंग करने के बाद आईपीसी कहती है अब तो मैं थक गई, यानी आईपीसी नामक जो महिला है वो कहती है मैं तो थक गई, अब तो मैं शादी करूंगी। तो उसने क्या किया, चैप्टर नंबर 20 में मैरिज कर ली, मैरिज कर ली कहाँ से कहाँ तक, 493 से 498। तो क्या क्या मैरिज की, तो शादी एक ऐसा लड्डू है, खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, इसने कहा चलो यार शादी कर ही लेते हैं, समय आ गया है तो अब शादी कर लेते हैं। तो क्या क्या मैरिज कर ली, मैरिज करते क्या होती है अपनी क्रुएल्टी, शादी के बाद कोई भी हो क्रुएल्टी तो होती ही होती है। तो यह हुई हमारी कुर्ता 498 ए। जैसे ही महिला की क्रुएल्टी होती है उसको लगता है अरे मेरी तो डिफेमेशन हो गई, मेरी तो डिफेमेशन हो गई, कहाँ से कहाँ तक, 499 से 502 तक। आपको पता है जो डिफेमेशन है ना, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, टॉर्ट के अंदर भी डिफेमेशन है, और जब टॉर्ट में होता है तो सिविल केस लगता है ना, और जब आईपीसी में होता है तो क्रिमिनल केस लगता है। तो एक ही डिफेमेशन के लिए क्या दो केस लगाए जा सकते हैं, एक सिविल प्रोसीजर में और एक क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो पहला केस अगर आपने सीआरपीसी के थ्रू लगाया, आईपीसी का सीआरपीसी के थ्रू लगाया, और उसी मैटर में कंपनसेशन के लिए आप सीपीसी में लगाते हो, तो क्या इस मैटर पे रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पहला केस डिफेमेशन का आपने सीआरपीसी के थ्रू लगा रखा है, और उसी मैटर पर दूसरा केस जो है आप डिफेमेशन का लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, सीपीसी के अंदर कंपनसेशन के लिए, तो क्या रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं जरूर बताना। ठीक है, जब डिफेमेशन होती है तो आदमी को अपने आप को क्या लगता है, अरे मेरी तो इंसल्ट हो गई, और इंसल्ट होती तो बंदा क्या करता, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में डूब जाता है, और वहाँ उसको एनोई होने लग जाता है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनोई एंड आता है आपके पास इंसल्ट, 503 से 510। और गुस्से में आदमी क्या करता है, अटेम्प्ट 511। वो छोटा सा चैप्टराइजेशन है, चलिए आइए अब इसको एक कहानी और सुनाते हैं इसकी। ठीक है, एक सुंदर सी कहानी के साथ इसको फिर से एक बार याद कराते हैं, कराए चलिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक सुंदर सी कहानी के साथ इसको फिर से सुनाते हैं आपको, उस कहानी से क्या आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
इसके लिए हम आपके लिए सुंदर सा एक कलर भी ले लेते हैं, दिखेगा ये करी क्या, कौन सा कलर ले जो अच्छे से दिखाई दे सके। ये भी नहीं दिख रहा है डार्क कलर में, एक दो और तीन, चलो फिर इसी को रखते हैं। हाँ जी, तो आईपीसी कहती है कि मेरे पास आईपीसी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी कहती है कि मेरा नाम आईपीसी 1860 है और मेरे पास टोटल 23 चैप्टर है, 511 मेरे पास सेक्शंस है, मेरा एक्सटेंड पूरे इंडिया में, मैं जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होती हूँ। मेरा कमेंसमेंट 1 जनवरी को हुआ है, 1 जनवरी 1862 को हुआ है। अब आइए एक लड़की की कहानी सुनाते हैं आईपीसी के थ्रू। क्या कहता है कि एक उर्मिला नाम की लड़की थी, ठीक है, वो आके आईपीसी में अपना इंट्रोडक्शन देती है 1-5, फिर वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है 6 से लेकर 52A तक, जो जनरल एक्सप्लेनेशन कहता है। और वो कहता है अगर तूने इस एक्सप्लेनेशन को नहीं माना तो मैं तुम्हें दूंगी पनिशमेंट। क्या दूंगी मैं? पनिशमेंट। पनिशमेंट देने के बाद उसने कहा रुको रुको रुको, हर चीज के लिए ऑफेंस नहीं होते, कभी कभी एक्सेप्शन भी मिलेंगे। जैसे ही उसने ढील दी, आपने क्या किया, उसका अबेटमेंट किया। अबेटमेंट करके आपस में मिलकर दोनों ने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। और कॉन्स्पिरेसी करके सबसे पहले क्या क्या, स्टेट के अगेंस्ट धावा बोला चैप्टर नंबर 6 में। जब स्टेट के अंदर अगेंस्ट आप ऑफेंस करोगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगी, आर्मी नेवी आएगी। जब भी युद्ध छेड़ते हैं, कुछ भी होता है, सरकार के अगेंस्ट आप हाई एक्ट करते हैं तो आर्मी नेवी वाला आ जाते हैं। तो आर्मी नेवी वाला है, आपने कॉन्स्पिरेसी कर उनके अगेंस्ट भी क्या क्या ऑफेंस कमिट किया, और आर्मी नेवी के साथ निपटने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। तो आप लोगों ने क्या किया, अनलॉफुल असेंबली बनाई। अनलॉफुल असेंबली बनाकर आपको पकड़ने के लिए जब आई पब्लिक सर्वेंट, तो आपकी गैंग ने पब्लिक सर्वेंट को दे दी रिश्वत, तो उसके अगेंस्ट ऑफेंस हो गया। और जैसे पब्लिक सर्वेंट रिश्वत ली तो उन्होंने भी ऑफेंस कमिट कर दिया। ऑफेंस करने के बाद फिर आपको लगा चलो अपने इलेक्शन में लड़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई बदमाश होता तो लगता चलो अब नौकरियां तो करनी नहीं है, इलेक्शन में चलते हैं। अपने इलेक्शन में खड़े हो गए, इलेक्शन में खड़े हुए तो आपको मना किया, ऑफेंडर इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। आपने क्या किया, आपने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया है, तो आपको पकड़ने आए। पकड़ने आए तो आपने झूठ बोला, हम तो खड़े इलेक्शन हुए ही नहीं थे। आपने फॉल्स एविडेंस किया, फैब्रिकेट किया, फेवरेट किए, तो हम आपको पकड़ के ले गए जेल में। तो वहां बैठ के आप कहानी सुना रहे हो सब जने, बाहर में हमारा सिक्का चलता था और सिक्के को तेरी माँ के हमने लोगों को बांट दिए, और सिक्के हमने बांटे वो खोटे थे, तो खोटे सिक्के थे इसलिए लोगों में पब्लिक हेल्थ को, मोरालिटी को डैमेज हुआ, और इससे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो गया। और जब पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो हमारे यहाँ पे रिलीजन के बीच में झगड़े शुरू हो गए। जब रिलीजन के बीच में झगड़े हुए तो लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। मारने के बाद जो बची हुई प्रॉपर्टी लेके आप सब भाग गए, ठीक है, और बच्चे भी आपने कर ले प्रॉपर्टी ले ली। अब अपन को तो घर भी तो चाहिए, सारे घरों के डॉक्यूमेंट अपने नाम करा लिए, और सारे के सारे जो सर्किल से प्रॉपर्टी मार्क से वो भी आपने अपने नाम करवा लिया। करवा के आप सब अपनी बातें बता रहे थे कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया। फिर आपको लगा कि अब क्या करें, ये सब किसके साथ किया, जो आप पे भरोसा करते थे आपने उन्हीं के साथ किया। आपने ब्रीच की उनकी सर्विस का, ब्रीच करने के बाद आपने कहा ठीक है आप बहुत कर लिया, बहुत झगड़े हो गए, जिंदगी बहुत झीली, अब एक काम करते शादी करते, क्योंकि लड़की कौन थी उर्मिला, ये चलो शादी कर ले, तब समय आ गए हैं। शादी की तो शादी करने के बाद क्या क्रुएल्टी, वो तो फिक्स है, शादी के बाद क्रुएल्टी होगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो उर्मिला ही क्यों ना हो, शादी के बाद क्रुएल्टी होना तय है, क्योंकि क्रुएल्टी तो मेंटली फिजिकली कैसे भी हो सकती है। तो हुई आपकी क्रुएल्टी, क्रुएल्टी होगी, आपको लगा अच्छा मेरी क्रुएल्टी की, अब तक तो मैंने लोगों पर राज किया, तो आपको आपका डिफेमेशन लगा करे मेरी तो मानहानी हो रही है, ऐसे कैसे मेरी क्रुएल्टी हो सकती है। तो मानहानी आपने फील की, तो फील की तो आपको हुआ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इससे आपने इंसल्ट फील की, इंसल्ट करके आप एनओ यानी आप डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हुआ, चैप्टर नंबर 23 में आपने ऑफेंस का अटेम्प्ट कर दिया। तो ऐसे कर करके आपको रिवीजन करना है, क्या करना है, ऐसे आपको रिवीजन करना है, चैप्टर्स पढ़ना है, फिर उसके साथ सेक्शन बोलना, जैसे आप करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1-5, चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेक्शन नंबर 6-25A, ठीक है, फिर मैं कुछ आपको पनिशमेंट दूंगा जो बात करेगा आपके पास सेक्शन नंबर क्या अलता करता है कि मैं आपको पनिशमेंट दूंगा जो बात करेगा आपके 53 से लगा के 75 तक, ऐसे आपको याद करना है। अब आता है कि चैप्टराइजेशन याद करना क्यों जरूरी होता है, क्या इस चैप्टराइजेशन को याद करने से कोई बेनिफिट होते हैं। हाँ जी, देखिए समय के साथ जुडिशरी का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, वो चैप्टराइजेशन से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर याद कर लेते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि आपको ये लगता रहेगा चैप्टराइजेशन तो मुझे याद हो ही गया,
अब तो बस इसके सेक्शंस याद करने, वो भी कर लूँगा। एक चैप्टर अच्छे से याद किया, फिर उसको लिखा, फिर आप सेकंड पे गए, याद करके लिख के रख दिया, फिर सेकंड पे गए, फिर सेकंड को पूरा समझा, फिर उसको लिखा, उसको याद किया, फिर थर्ड पे गए, तो वन बाई वन जब आप जाते हो, नहीं तो क्या होता बेटा, कोई कहता पहले चैप्टर 16 पढ़ो, कोई कहता चैप्टर 17 पढ़ो, कोई कहता चैप्टर 4 पहले पढ़ो, तो पहले आगे के चक्कर में वो बेटर नहीं कर पाते हो। आपको अगर जुडिशरी निकालनी है तो 1 से लेके 5-1 तक पहुँचना है, 1 से लेके 5-1-1 तक पहुँचना है। मतलब जब स्कूल जाते हैं तो हम क्या पहली क्लास में 8वीं क्लास की चीज़ें पढ़ लेते हैं क्या, या दूसरी क्लास में हम 6ठी क्लास की चीज़ें पढ़ लेते हैं? नहीं ना, हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं। तो ठीक वैसे अगर आपको जुडिशरी निकालनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम बीच में से पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़े, नहीं। हाँ, आपका 2-3 बार कोर्स हो चुका है तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको एकदम बीच में आपको गैप नहीं करना है, बीच में आपको जंप नहीं मारना है, वहाँ पर तो आपको वन बाई वन ही चलना पड़ेगा, तब ही जाके आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं होते। ठीक है, तो एक छोटा सा IPC है, ये आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है। IPC का नाम है कोड, इंडियन पिनल कोड। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? एक सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड और एक्ट, है ना? इसका आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी उसमें इसका डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि पता होना चाहिए सब्सटेंटिव लॉ प्रोसेसर लॉ में क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसेसर लॉ में क्या अंतर है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून पढ़ते हैं उससे पहले सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसेसर लॉ, कोड, एक्ट, इन सब के बारे में पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग IPC अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है, जल्दी से आप याद भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।